Assalamualaikum Arsalan and Fazan, thank you for your time. I think budget aa gaya hai, to budget pe comment aap logon ne publish bhi kiye hain. So I thought let's quickly run over what our research team and what our sales team and what KSB is thinking and how should investors think about this budget. Is budget mein aisi kya cheez hai jo investors ko dhyan mein rakhni chahiye? To pehle Arsalan, main aapse puchunga ke what's your view on the budget? Assalamualaikum Ali, Assalamualaikum Fazan, Assalamualaikum everybody. I think when we are starting this discussion, हमें ये देखना चाहिए कि ये पहली budget government ने दी है जो तीन साल बाद एक growth oriented है. तो अगर इसको हम sum up करते हैं तो तीन factors हमें देखने हैं. एक तो government जो है growth oriented budget दे रही है. नंबर टू एक populist budget दे रही है जिसमें लोगों को relief मिल रहा है और जो मुश्किल फैसले हैं वो delay हो रहे हैं. तो तीसरा जो पहलू है इसका वो structural reforms को government ने कहा है कि हम delay गवर्नमेंट का इस वक्त फोकस ये है कि हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाएं और उसमें गवर्नमेंट ने काफी हद तक आप देखें कि कस्टम ड्यूटीज एडिशनल कस्टम ड्यूटीज फेडरल एक्साइज ड्यूटीज रेगुलेटेड ड्यूटीज कम किए हैं जो हमारी इंडस्ट्रीज है ताकि उनकी कॉस्ट ऑफ बिजनेस जो है वो थोड़ी कम हो और अगर स्टॉक मार्केट या लेमैन की तरह हम बात करें मतलब उनका मुनाफा ज्यादा हो और गवर्नमेंट ने अपना जो टारगेट इस वक्त सेट किया है जीडीपी ग्रोथ का 4.8% वो समझ लें आपका चार साल का हाईएस्ट होगा. फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट है वो आपका 6.3% है. हमें पर्सनली लगता है ये ब्रीच हो जाएगा. करंट अकाउंट डेफिसिट का जो टारगेट है इस वक्त वो रफली $2 बिलियन है. हमें लगता है अगर ऑयल प्राइसेस ऊपर होंगी तो ये करंट अकाउंट डेफिसिट का टारगेट भी आपका ब्रीच हो जाएगा. लेकिन हैविंग सेड दैट गवर्नमेंट इस वक्त दो चीजों के ऊपर कैपिटलाइज कर रही है जो गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस हमने देखा है. नंबर वन कि हमारे रेमिटेंसेस ग्रो जो हुई है फिनोमिनल हुई है पिछले साल कोविड की वजह से क्योंकि फॉर्मल चैनल यूज हो रहे हैं ट्रैवल नहीं है आपके पास. नंबर टू जो बड़ा रेवोल्यूशनरी काम हुआ है वो है रोशन डिजिटल अकाउंट्स. तो इसके साथ अभी लेटेस्ट जो रन रेट है जो महीने में $200 मिलियन आ रहे हैं तो गवर्नमेंट के पास $2 बिलियन का विंडो आ गया है अपने डॉलर बैलेंस बजट आपको बैलेंस करने के लिए. अब हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल इलेक्शन रियरिंग की तरफ चली गई है क्योंकि आज अगर ये चेरीज देंगे या इंसेंटिव देंगे या स्टिमुलस देंगे तो उसका जो बेनिफिट है वो 1.5 से 2 साल में आएगा. Having said that, आवाम इसको इतना जल्दी पॉजिटिव नहीं लेगी क्योंकि महंगाई पिछले 3 साल में 25-30% रह चुकी है और जो सैलरी ग्रोथ आई है वो आपकी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए 10-10% है. अगर इसको हम डाइसेक्ट करें अब इसको कंडेंस करें कि आवाम के लिए इसमें क्या पड़ा हुआ है. आवाम के लिए चीजें सस्ती होंगी क्योंकि इन्फ्लेशनरी प्रेशर पूरी दुनिया में है. गवर्नमेंट ने इसको देखते हुए ये फैसला किया है कि हम लोग जो है टैक्सेस कम करें इम्पोर्ट ग्रोथ होगी कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो वहां से गवर्नमेंट अपने टैक्स रेवेन्यूज मीट करना चाह रही है. और जो आईएमएफ का टारगेट था दो चीजों पे जो बड़ा मुश्किल उस पे समझ ले अभी भी डिस्कशन चल रही है तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने एक ट्रायल पीरियड लिया है कि आईएमएफ के जो टॉक्स है उनको 3 महीने तक आगे डिले कर दिया है. उसमें दो इंपॉर्टेंट चीज पहलू थे. आईएमएफ कह रहा था कि आप सेक्युलर डेट कम करने के लिए बिजली की प्राइसेस बढ़ाएं वो गवर्नमेंट ने अभी क्लियर कट सिर्फ 5% बढ़ाने की भी इंडिकेशन नहीं की यहाँ पे तो उसपे एक्सपेरिमेंटेशन हो रही है. दूसरा ये था आईएमएफ ने कहा था कि आप इनकम टैक्स रेट बढ़ाएं और जो आपके एग्जेम्पशंस हैं वो कम करें मतलब आपकी मेरी जो सैलरी है इसके ऊपर टैक्स रेट बढ़ना चाहिए था लेकिन आपने देखा गवर्नमेंट ने इस वक्त उसके ऊपर कोई फैसला नहीं लिया. सो अगर हम उसको देख रहे हैं एक बड़े पिक्चर के अंदर तो गवर्नमेंट पॉपुलिस्ट मूड में और गवर्नमेंट के पास कुछ एवेन्यूज है नए टू बी ऑनेस्ट विथ यू अपने रेवेन्यू रेज करने के लिए. सिमिलरली जैसे एग्जाम्पल है ट्रैक एंड ट्रेस. अब ट्रैक एंड ट्रेस में जैसे 4 प्रोडक्ट्स है टोबैको हो गया शुगर हो गया सीमेंट हो गया फर्टिलाइजर हो गया उसको देखेंगे इसके साथ साथ अगर हम देखें गवर्नमेंट जो पॉइंट ऑफ सेल्स आप देखें हमें जो पैसे आपको आप शॉपिंग करने जाते हैं ग्रोसरी करने जाते हैं तो वो कच्ची पर्ची पे देता है वो रिकॉर्डेड नहीं होता. अगर उस पर गवर्नमेंट ने बड़ा स्मार्टली एक प्राइस स्कीम शुरू की है ये तकरीबन 25 करोड़ रुपए हर महीने हम देंगे कंज्यूमर्स को अगर वो अपने जिद करें अपने शॉपकीपर के साथ कि नहीं भाई पर्ची आप असली दें तो ये टैक्स नेट बढ़ेगा और अभी 25 अरब रुपए यहाँ से रेज करें और इनका इरादा है कि 50 अरब रुपए यहाँ से रेज करें. तो देखिए इस वक्त बजट को मैं कंडेंस करूँ तो वो एग्रेसिव मेजर्स गवर्नमेंट नहीं ले रही क्योंकि 2 साल है इलेक्शन में इनको अगले 5 साल भी चाहिए होंगे. लेकिन अगर ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर को ग्रोथ देने के लिए उन्होंने पीएसडीपी को बढ़ाया है
650 अरब से तकरीबन 900 अरब, ये हमारे कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो स्टॉक मार्केट के लिए वो अच्छा है। स्टॉक मार्केट को बूस्ट करने के लिए इन्होंने सीजीटी कम किया है, कैपिटल टैक्स कम किया है, विदहोल्डिंग टैक्स रेट कम किया है, मार्जिन फाइनेंसिंग पे जो लोग पैसा बोरो करके मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, आपकी गाड़ियों को सस्ता करने के लिए उन्होंने टैक्सेस कम किया है, और मेजॉरिटी इंडस्ट्रियल सेक्टर को बेनिफिट दिया है इन्होंने कि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम की है। और गवर्नमेंट ये उम्मीद कर रही है कि आगे जाके एक प्लेटफॉर्म सेट हो जाएगा कि इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन होगी और एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ होगी। लास्टली एक चीज जो बड़ी अच्छी गवर्नमेंट ने की है बड़े अरसे बाद, मेरा ये ख्याल है कि जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन पे विदहोल्डिंग टैक्स लगता था जिसकी वजह से एक बहुत ज्यादा कैश हमारी इकोनॉमी में बाहर पड़ा हुआ है वो नजर नहीं आ रहा बैंकिंग सिस्टम में, वो उन्होंने हटा दिया है। आपकी बैंकिंग ट्रांजैक्शन पे इस वक्त कोई टैक्स नहीं है, आप आए बैंक्स में पैसे रखेंगे, बैंक्स में पैसे रखेंगे तो गवर्नमेंट उनको फोर्स कर सकेगी कि आप जाके लेंड करें, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो अपर क्लास हो, चाहे वो स्मॉलर इवेंट हो। तो मेरे ख्याल से अगर इसका हम तो कंडेंस करें तो गवर्नमेंट ने ग्रोथ ओरिएंटेड पॉपुलिस्ट और जो बहुत मुश्किल फैसले हैं उनको 2 साल नहीं सोचा है कि 5 से 7 साल के अंदर करेंगे। दिस इज माय व्यू। थैंक यू अरसलान। सो आपकी मैं पॉइंट्स देखूँ तो इट्स अ प्रो ग्रोथ बजट, और आपके ख्याल में जो जो गवर्नमेंट ने टारगेट भी दिया 4.8% का, इसका लगता है ये कि ग्रोथ इससे भी ज़्यादा शायद हो जाए, क्योंकि पिछले साल भी अगर आपको याद हो कि टारगेट जो था वो 3% था, IMF एक्सपेक्ट करी थी कि 1.5% ग्रोथ होगी और इन रियलिटी जो है ग्रोथ वो 4% के करीब हुई। तो इस बार भी 4.8% ग्रोथ टारगेट है, मगर इट्स पॉसिबल दैट वी विल क्रॉस द 5% लेवल। मगर और जो आपने कहा कि कुछ काफ़ी स्मार्ट मेजर्स लिए हैं टू इम्प्रूव डिजिटलाइजेशन, टू इम्प्रूव डॉक्यूमेंटेशन, टू इम्प्रूव द फ्लो ऑफ मनी इन बैंकिंग सेक्टर, इन द फॉर्मल इकोनॉमी, सो आई थिंक दैट इज अ रियल पॉजिटिव चेंज। फैजान, आर यू ऑन द लाइन राइट नाउ? I think Fazan, I think you are still having internet issues. Ali, एक और चीज अगर हम ऐड करें यहाँ पे जब तक फैजान आ जाए, वो ये है कि गवर्नमेंट ने क्लियर फोकस अब ये जाएगी और आपके Assalam, you also lost in the middle. I have a question for you before this. Can you आप हमें बता सकते हो कि कौन से सेक्टर्स पे पॉजिटिव इंपैक्ट होगा, कौन से पे नेगेटिव इंपैक्ट होगा? अली, मेरे ख्याल से वैसे तो ओवरऑल सेक्टर जो है सारे पॉजिटिव हैं, लेकिन ज्यादा जो है बैंकिंग, इंडस्ट्रियल सेक्टर और कंस्ट्रक्शन एंड आई थिंक इवन टेक्नोलॉजी सेक्टर पे, क्योंकि आईटी सेक्टर को उन्होंने काफी ज्यादा इंसेंटिव्स दिए हैं, और इंटरनेट के इश्यूज लगता है फिर से हमारी कनेक्टिविटी क्यों हो रही है, क्योंकि मैं लंदन में हूँ और अरसलान और फैजान कराची में इस वक्त अपने घरों से डायल इन कर रहे हैं, सो आई थिंक वी आर हैविंग कनेक्टिविटी इश्यूज राइट नाउ। सो अरसलान, नाउ बैक टू यू, यू वर सेइंग बैंकिंग, इंडस्ट्रियल एंड यू सेड बैंकिंग, इंडस्ट्रियल, कंस्ट्रक्शन एंड ऑटो सेक्टर, ये 4 सेक्टर में लगता है इसमें जो है ज्यादा ग्रोथ आ सकती है क्योंकि उनकी वैल्यूएशन वैसे भी कम है टू स्टार्ट विद, तो अगर गवर्नमेंट ने इंपेटस दिया है तो उसमें ग्रोथ थोड़ी एक्सेलरेट होके आ जाएगी, मेरा ये ख्याल है। दैट्स वंडरफुल। फैजान, आर यू कनेक्टेड राइट नाउ? Fazan, we can't hear you clearly, but we would love to get what's KSP's sales team thinking about the budget and how should clients, our clients who are investing, how should they think about the budget? So we would love to get the views from the sales desk. I still can't hear you, Fazan. I might have to request Arsalan to step in to give sales view in the meanwhile. So Arsalan, while Fazan fixes the... Are you back in, Fazan? No. Arsalan, over to you, please. Ali, Fazan aur humari discussion ho rahi thi, toh hum log uspe same page de rahe the. Fazan keh rahe the, thoda guarded optimism hona chahiye, ke log itna excited bhi nahi ho jaye, ke the world has ended right now, ya everything has improved. देखें, ये नहीं है कि हमारा फिस्कल डेफिसिट 4% पे हो गया है। एंड आई थिंक सेल्स डेस्क पे अभी फैजान इज जॉइंट, ही कैन से कि लोगों का इस वक्त फीडबैक क्या है और क्या इस वक्त लोगों की रिक्वायरमेंट है। फैजान, ओवर टू यू। जी, अब मेरी आवाज आ रही है आपको? वी कैन हियर यू क्लियरली नाउ। यस, सो आई वाज आस्किंग व्हाट्स द सेल्स डेस्क व्यू ऑन द हाउ आर द मार्केट्स गोइंग टू ट्रेड
टेक द बजट? ओवरऑल देखें इनिशियल, जी जी बिल्कुल, जैसे ही बजट आया तो काफी ज्यादा पॉजिटिविटी है लोगों के अंदर, जिन भी फंड मैनेजर्स से या इन्वेस्टर्स से हमारी बात हुई है वो ओवरऑल इस बजट के ऊपर काफी ज्यादा पॉजिटिव हैं। ये जो सबसे पहले जो ब्रॉडर मार्केट के लिए जो मेजर्स दिए गए हैं, जो I think we've again lost Faizan. So Arsalan, over to you. Maybe let you can wrap it up from on the sales desk view. Yes, Ali. I think if we just coordinate what Faizan was trying to say here, जो भी हमारी investors के साथ इस वक्त discussion हुई है, चाहे वो mutual funds हो, चाहे वो retailer हो, चाहे वो insurance players हो, चाहे वो government की large owned entities हो, इस वक्त optimism वापस आ गया है। प्राइमरीली क्योंकि गवर्नमेंट की इंटेंट भी ये दिखाई गई है कि आगे जाके भी हम लोग सीजीटी भी कम कर सकते हैं और आगे जाके हम प्रो ग्रोथ पॉलिसीज लेके आएंगे, जिसमें जो मेजर इशू पाकिस्तान का रहा है वो है करंट अकाउंट क्राइसिस, और गवर्नमेंट इस वक्त एक विजिबल इंटेंट दिखा रही है कि हम फोकस वो करेंगे कि इंशाल्लाह ताला दो साल के बाद हम लोग वही सिनारियो में वापस ना आ जाए कि हमें आईएमएफ के साथ वापस जाना पड़े और हमारा ट्रेड डेफिसिट इतना बलून हो जाए। लेकिन जो सेल्स डेस्क के हमारे जो फियर्स हैं वो जो क्लाइंट्स भी बता रहे हैं वो है इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस। अगर ऑयल प्राइसेस 85-80 प्लस डॉलर सस्टेन गई तो हमें लगता है गवर्नमेंट के लिए थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, चाहे जितने भी एम्बिशियस हो रहे हैं। ओवर टू यू अली। So Arsalan, which stocks should people look at? Do you think the market will be take it positively? Kaunse stocks ko dekhna chahiye? How do you think the market will react next week? I think next week onwards, the construction sector, cements mein across the board aur un stocks mein primarily jahan pe expansions aa rahi hain, kyunki ye jo growth aayegi wo absorb tabhi ho sakegi agar aapke paas capacity hogi. नंबर वन। सिमिलरली ऑटो सेक्टर के अंदर अक्रॉस द बोर्ड ग्रोथ आएगी क्योंकि जो ओन मनी का कॉन्सेप्ट है गवर्नमेंट ने उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया है कि जो इन्वेस्टर पैसे लेके आते थे और उसके ऊपर भी टैक्स है, अगर आप विदाउट रजिस्ट्रेशन गाड़ी बेच रहे हैं तो उसके ऊपर भी टैक्स आ गया है। सिमिलरली हमने देखा है होम अप्लायंसेस और आपकी जो केमिकल सेक्टर है, केमिकल सेक्टर की आपकी आरडी कम हुई है, एडिशनल कस्टम ड्यूटीज कम हुई है होम अप्लायंसेस में, क्योंकि गवर्नमेंट इस वक्त अगर बॉटम अप अप्रोच लेके आ रही है तो जो एहसास बेनिफिशरीज हो या जिनके पास 5-5 लाख रुपए इंटरेस्ट फ्री लोन आ रहा है एसएमई के लिए, कॉटेज इंडस्ट्री के लिए, वो अपने कारोबार बनाएंगे तो उनको गाड़ियां भी चाहिए होंगी, उनको फ्रिज भी चाहिए होंगे, उनको आपके होम अप्लायंसेस एसी वगैरह भी चाहिए होंगे। तो मेरे ख्याल से बॉटम अप स्ट्रेटजी ज्यादा अच्छी है अक्रॉस द बोर्ड। जैसे हमने सेक्टर्स की बात की, सीमेंट्स में अगर देखें तो वो सेक्टर, वो स्टॉक जिनमें ज्यादा ग्रोथ आ सकती है, ज्यादा एक्सपेंशन है, और ऑटो सेक्टर में देखिए वो स्टॉक जहाँ पे कोई ट्रिगर है सामने कि नई गाड़ी लॉन्च हो रही है या गवर्नमेंट ने टैक्सेस कम किए स्मॉलर कार्स के ऊपर, उनके ऊपर फोकस किया जाए। और हमारा ये ख्याल है कि बैंक्स के अंदर भी फाइनली री रेटिंग हो जाएगी बिकॉज ये जो डिपॉजिट्स वापस आएंगे इंशाल्लाह ताला जो टॉप टीयर बैंक्स है वो देखेंगे, हम लेंडिंग करना शुरू करेंगे, लेंडिंग करना शुरू करेंगे तो उनकी वैल्यूएशन अनलॉक हो जाएगी। Great, Arsalan. Because some people are asking questions, I'll just quickly also use this time to ask you some questions. Sajad पूछ रहे हैं कि oil marketing sector के लिए क्या view है? इस budget how does the budget look like for OMC sector? And then I'll add that Usman is asking that reduction of CGT will that be negative because mutual funds will book profits? मेरे ख्याल से इस वक्त नंबर वन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए ये बजट थोड़ा पॉजिटिव इसलिए है कि जो टर्नओवर है मिनिमम टर्नओवर टैक्स लगता था, जो लॉस मेकिंग होते भी थे तो उन पे ज्यादा लगता था, लेकिन इस वक्त उनके ऊपर टर्नओवर टैक्स जो रिजीम जो है एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि प्रॉफिट बना रहे हैं। हाउएवर उसके साथ अगर देखा जाए कोई अब्रप्ट चीज, कोई अब्रप्ट चेरीज नहीं मिली गई ताकि इनकी सेल्स इंक्रीज हो या इनकी मार्जिन इंक्रीज हो। नंबर वन सीजीटी, हमारा नहीं ख्याल के म्यूचुअल फंड जो है ना सेलिंग करने आ जाएंगे क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के बाद अगर कर रहे हैं कि ज्यादा पैसे आए नहीं है इस मर्तबा, और इस वक्त इन्वेस्टर की साइकी चेंज हो गई है पोस्ट कोविड। इस वक्त इन्वेस्टर ज्यादा म्यूचुअल फंड्स के थ्रू नहीं, डिजिटल अकाउंट्स खुलवा रहे हैं, हमारे के ट्रेड के अंदर भी काफी ज्यादा इंफ्लो आ रहा है, रोशन डिजिटल अकाउंट्स आ रहे हैं, लोगों के अंदर अभी शौक हो गया है वापस इन्वेस्ट करने के लिए और खुद वो सीखना भी चाह रहे हैं क्योंकि 10 साल पहले इन्वेस्टिंग अलग होती थी और आज के जमाने में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो सीजीटी अगर कम होता है ओवरऑल मार्केट और रिटेलर और इंडिविजुअल्स उसको ज्यादा पॉजिटिवली लेंगे और म्यूचुअल फंड की सेलिंग आई थिंक कन्वीनियंटली एब्जॉर्ब हो सकती है अगर होती भी है तो। Great, thank you. I think that Faizan
is still not connected with us, and but I think we have covered all the key points. As Arsalan said, that the budget is positive, there is a lot of optimism. The concern is that, you know, how will IMF take it? And as Arsalan mentioned, that Pakistan push kar diya IMF program ko agla review jo September mein hoga, to aur they are expecting ke us time tak jo hai jo the measures unhone kiye hai usse that will already start showing into positive growth. Also budget ke andar hai ki government will do a bigger euro bond $3.5 billion next year. Jo mujhe risk side pe lag raha hai wahi is IMF ke stance se lag raha hai ki how will they take this budget, because conditionality jo thi hamari pichle is program mein jane ki jisme tha ki current account deficit ko करना है, टैक्सेस को ज्यादा इंक्रीज करना है, पावर सेक्टर्स की सब्सिडीज को हटाना है, उन कंडीशनलिटीज पे हमने मीट नहीं किया, तो हो सकता है कि अगले हफ्तों में कोई नेगेटिव न्यूज शायद आना शुरू हो जाए आईएमएफ की तरफ से. मगर एज अरसलान मेंशन्ड के द गवर्नमेंट मस्ट बी कॉन्फिडेंट बिकॉज ऑफ रोशन डिजिटल अकाउंट जहाँ से और हायर रेमिटेंसेज जहाँ से जो है डॉलर इनफ्लोज आ रहे हैं, सऊदी ऑयल फैसिलिटी की भी दोबारा बातचीत स्टार्ट हो गई है. So broadly, the market should take it positively next week, especially in the sectors which he spoke about. And again, you know, we have seen these cycles in the past. Ke Pakistan mein normally jo cycles aate hain, usme jab growth hoti hai, to growth targets ko exceed karti hai, aur us time pe stock market bhi improve karti hai. इस टाइम पे जो इवन मोर पॉजिटिव बात वो ये है कि इस पर फॉर्मल इकोनॉमी के अंदर डिजिटलाइजेशन की वजह से पैसा और आ रहा है. सो दैट्स ऑल फ्रॉम अस. थैंक यू अरसलान एंड फैजान फॉर योर टाइम ऑन अ सैटरडे एंड टेक केयर. खुदा हाफिज़. थैंक यू एवरीबॉडी फॉर लिसनिंग. हैप्पी इन्वेस्टिंग. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.